हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। ड्रीम्स मोटो में एक बार फिर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम मेनली डिस्कस करने वाले हैं जो सबसे बड़ा कन्फ्यूजन वाला क्वेश्चन है, जो बहुत सारे स्टूडेंट्स ने कमेंट में पूछा है कि मतलब ये बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है, लेकिन जब अगर दो तीन स्टूडेंट्स के डाउट है तो हो सकते हैं बहुत सारे स्टूडेंट इस कन्फ्यूजन को लेकर बैठे हों। तो मेनली जो वीडियो का टॉपिक है और आज हम सबसे इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं वो ये कि अगर आपको नर्सिंग करियर मतलब कंटिन्यू करना है या फिर किसी भी गवर्नमेंट या प्राइवेट नर्सिंग कॉलेजेस में एडमिशन लेना है, तो एडमिशन लेने के लिए जो 12th क्लास है उसमें कितने परसेंटेज मार्क्स होने चाहिए। अब जो ड्रॉपर बच्चे हैं वो सोच रहे हैं कि अरे ये क्या डाउट है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये जो डाउट है वो सबसे ज़्यादा फ्रेशर बच्चों का है, जो मेनली अभी या तो क्लास 12th में है या फिर 12th क्लास के बाद जो नर्सिंग करियर है उसको कंटिन्यू करना चाहते हैं। तो चलिए इस जो कन्फ्यूज़न है उसको सॉल्व करते हैं और ये जो सबसे बड़ा डाउट है उसको आज क्लियर कर देते हैं। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए जिससे ये जितने बच्चों का डाउट या कन्फ्यूज़न है वो क्लियर हो जाए। और इस क्वेश्चन के साथ हम कुछ और भी क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जो बहुत ही सिली डाउट्स हैं, बहुत ही छोटे छोटे डाउट्स हैं लेकिन बच्चों के माइंड में है, वो उसको लेकर ही कन्फ्यूजन में है। ठीक है, जैसे सबसे पहले कि गवर्नमेंट जो नर्सिंग कॉलेजेस हैं उनमें एडमिशन लें या प्राइवेट नर्सिंग कॉलेजेस में एडमिशन लें। ठीक है, और नर्सिंग जो एग्जाम मतलब नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, स्टेट लेवल के और नेशनल लेवल के, मतलब कौन कौन से एंट्रेंस एग्जाम्स जो हैं वो कंडक्ट करवाए जाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम मतलब पॉइंट टू पॉइंट सभी डाउट्स को डिस्कस करते हैं। ठीक है, पहला पॉइंट जो हम डिस्कस करेंगे वो ये है कि अगर आपको नर्सिंग कॉलेज में एडमिशन लेना है गवर्नमेंट या प्राइवेट, तो आपके जो 12th में बायोलॉजी मतलब मेन सब्जेक्ट के साथ कितने परसेंटेज मार्क्स होने चाहिए। तो जो मिनिमम क्राइटेरिया है जिसके बेसिस पर आप किसी भी नर्सिंग कॉलेज में एंट्रेंस एग्जाम के बेसिस पर एडमिशन ले सकते हो वो सिर्फ 75% मार्क्स आपके होने चाहिए 12th में। ठीक है, मतलब जो बेसिक क्राइटेरिया किसी भी कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए वो 75% मार्क्स है। ठीक है, तो जितने भी स्टूडेंट्स के 75% मार्क्स, और ऐसा भी है कि बहुत सारे कॉलेजेस हैं नर्सिंग के जिनमें आपको अगर 75% मार्क्स से भी कम मार्क्स हैं तो उसमें भी आपको एडमिशन मिल जाता है। तो इतना ज़्यादा मतलब डाउट में आने की ज़रूरत नहीं, इतना ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो अगर आपके 75% मार्क्स हैं या उससे थोड़े मिनिमम 70 के लगभग मार्क्स हैं तो आप आसानी से किसी भी नर्सिंग कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं। ठीक है, इसी के साथ हम डिस्कस करते हैं एक और सबसे बड़ा डाउट कि जो नर्सिंग मतलब करियर है उसको किसी गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेज से कंटिन्यू करें या प्राइवेट नर्सिंग कॉलेज से कंटिन्यू करें। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं कि अगर आप गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं, ठीक है, तो उसके लिए आपको सबसे पहले एंट्रेंस एग्जाम जो कंडक्ट करवाया जाता है उस पर्टिकुलर स्टेट का या फिर उस पर्टिकुलर कॉलेज का, तो उसमें पार्टिसिपेट करना पड़ेगा, उस एंट्रेंस एग्जाम में सेलेक्ट होना पड़ेगा। ठीक है, तब आपको वहाँ पर एडमिशन आपको मिल सकता है। ठीक है, उसके बाद अगर आपको प्राइवेट नर्सिंग कॉलेज में एडमिशन लेना है तो उसके लिए मेन चीज़ है कि आपकी जो फीस है वो गवर्नमेंट के कंपैरिजन में थोड़ी सी ज़्यादा होगी। अगर आप फीस अफोर्ड कर सकते हैं और इतनी मतलब जो भी फीस है उसको अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो आप प्राइवेट नर्सिंग कॉलेज में भी एडमिशन ले सकते हैं। ठीक है, गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेज में एडमिशन लेने का जो मेन फायदा है वो ये है कि एक तो क्या होता है कि फीस कम होती है। ठीक है, फीस काफ़ी अफोर्डेबल होती है, आप आसानी से मतलब जो फीस है उसको पे कर सकते हो। ठीक है, दूसरा क्या होता है कि अगर आप कुछ स्टेट हैं जिनमें अगर आप वहाँ के जो गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेजेस हैं उनमें अगर आप एडमिशन लेते हो तो आपको जो कोर्स ड्यूरेशन के दौरान कुछ स्टाइपेंड के तौर पर कुछ पैसे भी मिलते हैं जो आपको आगे मतलब अपनी स्टडी कंटिन्यू करने में हेल्प करते हैं। ठीक है, और जो प्राइवेट नर्सिंग कॉलेजेस में जो फायदा है वो ये है कि सबसे पहले आपको किसी एंट्रेंस एग्जाम में पार्टिसिपेट करने की जरूरत नहीं है अगर आपको किसी भी मतलब जो प्राइवेट नर्सिंग कॉलेजेस हैं उनमें एडमिशन लेना है। ठीक है, लेकिन इसकी जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो ये है कि इसकी जो फीस होती है इन कॉलेजेस की वो गवर्नमेंट कॉलेजेस के कंपैरिजन में थोड़ी सी ज़्यादा होती है। तो अब आप अपनी प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग डिसाइड कीजिए कि गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेज आपके लिए सही रहेगा या फिर प्राइवेट नर्सिंग कॉलेज आपके लिए सही रहेगा। ठीक है, ये किसी एक स्टूडेंट का डाउट था तो मैंने सोचा कि इसी वीडियो में क्लियर कर दिया जाए। ठीक है, इसके अलावा जो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बहुत ज़्यादा बच्चों का कन्फ्यूजन बना हुआ है वो ये है कि कितने मार्क्स में किस कॉलेज में एडमिशन मिल जाएगा। तो इसके लिए मैं आपको एक सिंपल सा फॉर्मूला बता दूं कि ये पहले से डिसाइड नहीं हो सकता क्योंकि ये मेनली डिपेंड करता है कट ऑफ लेवल पर कि कितने कट ऑफ जा रही है, किस एग्जाम का लेवल क्या था जब एग्जाम हुआ, तो मतलब कितने स्टूडेंट्स ने पार्टिसिपेट किया, सीट कितनी अवेलेबल है। ठीक है, और कितना कट ऑफ रहा, पेपर का क्या लेवल था, इन सभी चीज़ों पर कट ऑफ डिसाइड होती है और उससे पता चलता है कि कितने मार्क्स पर किस कॉलेज में एडमिशन मिल सकता है। ठीक है, फिर भी बहुत सारे कॉलेजेस हैं जिनमें मतलब बहुत सारे कॉलेजेस का जो प्रीवियस ईयर का डेटा है उसके बेसिस पर एक थोड़ा सा एस्टिमेशन लगाया जा सकता है कि इतने मार्क्स में इस कॉलेज में एडमिशन मिल जाएगा। ठीक है, और भी अगर आपके नर्सिंग फील्ड से रिलेटेड कोई भी डाउट, कोई भी कंफ्यूजन, कोई भी प्रॉब्लम है अगर आपको पढ़ाई में, तो भी आप डाउट जो है वो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ठीक है, होप सो दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।